रेडमी 13 5G चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। तो गाइस यहां पर अभी इंडिया में रेडमी की तरफ से एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है रेडमी 13 5G के नाम से। और ये जो स्मार्टफोन है गाइस, लास्ट टाइम भी इसका एक और वर्जन लॉन्च हुआ था जो कि रेडमी 12 5G के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर था, काफी अच्छी उसकी डिमांड थी लास्ट टाइम। लेकिन अभी यहां पर रेडमी ने उससे भी ज्यादा बेटर तरीके से एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि रेडमी 13 5G है। और इसमें आपको रेडमी 12 5G से भी ज्यादा बेटर तरीके का जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो, जो रेडमी 13 5G है इसके सारे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ जो सबसे मेन चीज है जिसके ऊपर हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इसका चार्जिंग। तो इसमें जो चार्जर मिलता है गाइस वो है 33 वॉट का चार्जर। तो और यहां पर जो स्मार्टफोन है इसमें जो बैटरी आती है वो है 5030 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में आती है। तो ऐसे में चेक करना तो बनता है कि ये जो स्मार्टफोन अगर आप इसे चार्ज करते हो तो 0 to 100% चार्ज होने के लिए स्मार्टफोन एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है 33 वॉट के चार्जर से। तो आज हम इसलिए यहाँ पर जो रेडमी 13 5G है इसका एक चार्जिंग टेस्ट करने वाले और देखते कि एग्जैक्टली जो स्मार्टफोन है ये 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो ये जो स्मार्टफोन का जो मेरे पास वेरियंट है ये है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट। इसमें जो कैमरा आता है 108MP का मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा 13 MP का। और जो प्रोसेसर इसमें आता है गाइस वो है स्नैपड्रैगन का 4th Gen 2AE प्रोसेसर जो कि एक बजट सेगमेंट प्रोसेसर है। तो ज्यादा बेटर तरीके से आप इसमें गेमिंग तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे डिसेंट लेवल का, बट ओवरऑल जो मेन हाइलाइटिंग चीज इसका वो है 33 वॉट का चार्जर। तो देखते हैं इसका एग्जैक्टली चार्जिंग में कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अभी जो ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन अभी यहां पर देखोगे तो ये पूरी तरीके से अभी 3% यहां पर चार्ज है। और यहां पर इसमें मैं ऑलरेडी इसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड करके रखा नहीं है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन यहां पर अभी फ्रेश है। इसका रैम प्रोसेसर पूरी तरीके से फ्री है। तो देखते हैं एक्जैक्टली कितना टाइम में कंज्यूम करता है पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पे अभी 3% इसका करंट बैटरी स्टेटस है। तो स्मार्टफोन को मैंने चार्जिंग से कनेक्ट कर दिया है, सो 3 2 1 स्टार्ट। और यहाँ पे टाइमर को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो, जो ब्राइटनेस में रखने वाला हूँ वो होगा 60-70% का ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे रखा है। और बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चालू नहीं रखा है। तो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर अभी देखो 1 घंटे 6 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 आवर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो रेडमी का 13 5G वाला जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन भी पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। और इसने जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया गाइस नियरली 1 आवर एग्जैक्ट 1 घंटा 7 मिनट का जो टाइम है वो यहाँ पर इसने कंज्यूम किया है पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए। अब इसने जो टाइमिंग है क्या परफेक्टली लिया, वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो गाइस, अभी जो स्मार्टफोन है ये भी एक न्यू स्मार्टफोन है। तो जब भी एक नया स्मार्टफोन लेते हो ना तो उसमें आपका जो चार्जिंग है स्टार्टिंग में वो एकदम ज्यादा फास्टली होने लगता है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोसेसर जो रैम होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है नए स्मार्टफोन में। लेकिन नए स्मार्टफोन में आपको चार्जिंग स्पीड फास्टली दिखने मिलेगा, बट अगर आप ये स्मार्टफोन को जैसे जैसे यूज करते जाओगे 6 महीने के बाद तो आपको जो चार्जिंग का स्पीड है वो स्लो ही मिलेगा। बट ओवरऑल जो इसमें जो 33 वॉट का जो चार्जर आता है जो कि ये वाला जिससे मैंने स्मार्टफोन को चार्ज किया है, इस पॉइंटिफिक के हिसाब से 33 वॉट के चार्जर से इसने 1 घंटे का टाइम कंज्यूम किया है, इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। बिकॉज 1 घंटे 33 वॉट्स के चार्जर से आप 1 घंटे चार्जिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये था इस रेडमी 13 5G का चार्जिंग टेस्ट। तो वैसे स्मार्टफोन को लेकर मैं और भी बहुत सारे टॉपिक में कवर कर रहा हूं, यानी कि अगर आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक चाहिए, बैक कवर्स के टॉपिक चाहिए, कैमरा टेस्टिंग रिव्यूज कंपैरिजन, बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पर इस स्मार्टफोन को लेकर कवर किया। तो अगर आप स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो पहले उन सारे वीडियोज को जाके आप चेक कर लेना मेरे चैनल पर, आपको वीडियोज मिल जाएंगे रेडमी 13 5G को लेकर। तो ओवरऑल जो एंडेड टॉपिक है रेडमी 13 5G आपका 1 घंटा टाइम कंज्यूम करेगा पूरा 100% चार्ज होने के लिए। सो आई थिंक यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। तो अब देख लो, जो स्मार्टफोन है पूरा का पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है, ओवरऑल पूरा का पूरा 100%। सो दैट्स ऑल अबाउट, आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।